गिन गिन लक दे हुलावे। सो कैसे हो सारा, स्वागत है आपका मेरे से यार के में। नमस्ते सभी को। सो यार काफी देर से मतलब मेरे काफी लोग बोल रहे थे कि यार असेंचर वीडियो बना, तो हियर इट इज ऑल अबाउट असेंचर। तो यार पहली बात तो ये कि मैं असेंचर का एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन रीड करके बतानी होगी और कुछ की आप ऑडियो सुनोगे बीच बीच में। तो बात यह है कि मैं अभी शुरू करता हूँ। तो यार लेट्स स्टार्ट। अच्छा भाई, तो मैंने यार उस बंदे को पूछा जो मेरा दोस्त है कि यार एसेंचर में तो कैसे प्लेस हुआ यार। तो वो बोलता है कि देख मैं एसेंचर में कोई ऑन कैंपस प्लेस नहीं हुआ, मैं एसेंचर में ऑफ कैंपस प्लेस हुआ। कैसे कि उसमें कोचिंग ली थी ऑन कैंपस, उसमें उसकी कॉलेज में एसेंचर नहीं आई, बट ही ट्राइड हिज बेस्ट और आज वो एसेंचर में यार अच्छी सैलरी लेते हुए। तो यार उसने मुझे बताया कि एसेंचर में जब आप सिलेक्ट होना होता है तो क्या क्या होता है। सबसे पहले आपका पहली बात तो दो दिन का प्रोसेस होता है। जो पहला दिन होता है उस दिन होता है आपका एप्टीट्यूड, जो कि नॉर्मल एप्टीट्यूड होते हैं जैसे बाकी एप्टीट्यूड होते हैं, और साथ ही होता है प्रोग्रामिंग टेस्ट। मतलब ऐसे ही नहीं जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट खत्म किया, साथ ही आपका प्रोग्रामिंग टेस्ट होता है और वो भी एमसीक्यू होता है, जिसमें फॉर वाइल आता है, बेसिक डाटा स्ट्रक्चर आता है, और इसमें क्या होता है टोटल 90 मिनट्स में 90 क्वेश्चन। ये आपका पहला दिन टेस्ट होता है। अगर आपका ये क्लियर आया था, क्लियर हो जाता है, तो शाम को ही आपको मेल या कॉल आ जाएगी कि अगले दिन आपका इंटरव्यू है, और जिसको बोलते हैं कंबाइंड टेक्निकल प्लस एचआर इंटरव्यू। देखो बाकी जो कंपनीज इंटरव्यू लेती है ये उस कंपनी की तरह इंटरव्यू नहीं लेती, ये इकट्ठे 5 बंदों को बिठा के इंटरव्यू लेती है, और लेकिन ये आपको पूरा कॉन्फिडेंस फील करवाती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आराम से पानी वगैरह पियो, और 2 दिन का प्रोसेस है। और 2 दिन के बाद अगर आपको लगता है मतलब आपको डायरेक्टली बताएंगे कि आप सिलेक्ट हो गए हो, अगर आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा, एक दिन तक मैक्स टू मैक्स आपको एक मेल आ जाएगी कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हो। उसके बाद इंटरव्यू के 10 दिन के बाद आपको ऑफर लेटर आती है कि कॉन्ग्रेट्स आपका हो गया, एंड उसके 1 हफ्ते बाद आती ज्वाइनिंग डेट। अब ज्वाइनिंग डेट का क्या है कि ज्यादातर जो एसेंचर में जो ज्वाइनिंग डेट आती है वो ज्यादातर आती है लास्ट मंडे, लास्ट मतलब पूरा वीक बचा होना चाहिए, यानी कि एक मंडे और नेक्स्ट मंथ आ गया, पूरा लास्ट वीक का जो लास्ट मंडे है ना तब आती है। तो यार अब एक बंदे ने क्वेश्चन पूछे हैं बहुत सारे, तो इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन मैं पूछूंगा पर ऑडियो आपको उस वो बंदे की सुनाई देगी। तो पहला क्वेश्चन इसने पूछा है एसेंचर कंपनी कैसी है बाकी सबके कंपैरिजन में। यार बाकी के इफ यू आर कंपेयरिंग से कैपजेमिनी से तो फार बेटर है। अभी कल ही रिजल्ट आया एसेंचर का जिसमें उनका काफी प्रॉफिट आया, और अगर इंडियन कंपनीज के साथ भी कंपेयर किया जाए तो टीसीएस और इंफोसिस से भी अच्छी है। हाँ, मतलब अगर उसका वो देखा जाए क्या होता है तुम्हारा मार्केट वैल्यू है तो टीसीएस से भी ज्यादा है, सर्च भी कर सकते हो ऑनलाइन। पर अगर किसी को इंडियन एमएनसी ज्वाइन करनी है तो इंफोसिस या तो फिर टीसीएस है। तो ये था आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, इस तरह आपको ऑडियो सुनाई देंगी। सेकंड क्वेश्चन है कि पैकेज ऑन कैंपस प्लेसमेंट का कितना है। पैकेज दोनों तरफ सेम होता है 3.5, जिसमें से 3.15 फिक्स है, मतलब 3.15 फिक्स है, और 35,000 आपका एक टाइप का बोनस है जो आपको 6 मंथ्स के बाद मिलेगा परफॉर्मेंस बेस पे। तो ये वेरी करता है। हाँ वेरी कर सकता है आपकी परफॉर्मेंस पे। हाँ तो 3.5 में 3.15 फिक्स है जो बनता है इन हैंड 22,500 के अराउंड हर महीने सैलरी आती है। 22,500 के अराउंड 22,500 के अराउंड हर महीने सैलरी आती है प्लस हाँ प्लस इतना ही। अगर आप अगर कोई सिलेक्टेड हुआ है तो किसी को ट्रैवल जो ट्रैवल करके आया उसको रीइंबर्समेंट भी मिल जाएगा 2 मंथ्स के अंदर। तो कोई अगर कहीं जो दिल्ली में रहता है उसको पुणे बुलाया ज्वाइन करने के लिए तो उसको ट्रैवल का भी मिलेगा, चाहे फ्लाइट हो चाहे रीइंबर्स, अप टू 2500। ओके अप टू 2500 मिलेगा। हाँ अप टू 2500 मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन उसने लोकेशन के बारे में पूछा है कि बेंगलोर के अंदर ऑफिस लोकेशन कौन कौन सी मिल सकती है। फोर्थ क्वेश्चन है कि पीजी जो है मतलब बेंगलोर में उस लोकेशन के पास कहाँ कहाँ पे मिल सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ज्यादा उसने अच्छी तरह मेरे दोस्त ने समझाया, और फिफ्थ क्वेश्चन है कि जीएफटी ट्रेनिंग क्या होती है, और ये अच्छी तरह सुनना।
मतलब वो होती है सेंचर की ट्रेनिंग दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है फंडामेंटल ट्रेनिंग और एक होती है स्ट्रीम ट्रेनिंग। फंडामेंटल ट्रेनिंग 1 month की होती है जिसमें आपको SQL, जावा और तुम्हारा ये सिखाएंगे HTML, ठीक है। और 1 month के बाद टेस्ट होगा तुम्हारा। टेस्ट होता है, पासिंग क्राइटेरिया 60% होते हैं MCQ में और 50 questions आते हैं। 50 question में 60% पासिंग है। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर नहीं होता तो उसके बाद आपको 2 attempts मिलेंगे जिसमें पासिंग क्राइटेरिया 65 हो जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद 1 month के बाद आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वो आपको ज्वाइनिंग के 2 weeks के अंदर ही बता देंगे कि आपकी स्ट्रीम कौन सी है, या तो जावा, एडवांस जावा है, या तो .NET है, या तो SAP है। हाँ, ये मतलब आपकी 1 month के बाद स्ट्रीम ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। और फिर स्ट्रीम ट्रेनिंग के 1 month के बाद आपका टेस्ट होगा, कोडिंग टेस्ट प्लस MCQ टेस्ट। हाँ, MCQ के फिर क्वेश्चंस आएंगे, 40 questions आएंगे, सेम रूल 60% क्राइटेरिया। अच्छा, 40 questions आएंगे। पहले वाले फंडामेंटल ट्रेनिंग में 50 questions आते हैं, ठीक है, ठीक है। और कोडिंग टेस्ट होगा जिसमें आपको पूरा 3 hours मिलेंगे, आपको पूरा एप्लीकेशन एक डिजाइन करना है। हाँ, कोडिंग में। अच्छा, ये आपको एक क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन क्लास में करवाया जाएगा, बस वैसा ही क्वेश्चन आएगा आपको टेस्ट में। अच्छा, और उसके साथ एक केस स्टडी होता है, मतलब प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन होगा, वो लास्ट में होता है ट्रेनिंग के लास्ट में। एक प्रोजेक्ट, मतलब एक टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा तो उसका इवैल्यूएशन लास्ट में ही होगा। तो आई थिंक सबको जीएफटी ट्रेनिंग अच्छी तरह समझ आ गया होगा क्योंकि उसने मुझे काफी डिटेल्ड में समझाया था जो आपने अभी ऑडियो सुनी। एंड उसके बाद आता है कि क्या क्या अकोमोडेशन देती है। तो देखो यार, अकोमोडेशन की जो बात है कि 2 हफ्ते के लिए जब आप एसेंचर में प्लेस हो जाते हो तो 2 हफ्ते के लिए आपको मतलब रहने को मिलता है प्रॉपर होटल में 14 days के लिए, जिसमें आपको नाश्ता वगैरह फ्री होता है। और इंडक्शन में क्या होता है स्टार्टिंग में कि आपको इंडक्शन जो पहले दिन होता है ना वो किसी 5-star होटल में रखा जाता है। और फिर उसी दिन आपको अच्छा सा खिलाया पिलाया जाता है, समझाया जाता है कि ऐसा 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 नहीं है। तो उसके बाद 3-4 दिन किसी और होटल में कॉलेज टू कॉर्पोरेट चलता है। एंड उसके बाद है कि वर्क कल्चर कॉमा फ्यूचर स्कोप क्या है। तो यार उसने मुझे बताया कि जो फ्यूचर स्कोप है वो ठीक है, मतलब वर्क कल्चर क्या है कि नॉर्मल सही है, फ्यूचर स्कोप क्या है कि सबसे ज्यादा सही है। मतलब ज्यादातर कहते हैं कि स्टार्टिंग में आपको ये नहीं है कि आपको उससे डेवलपिंग में दे देंगे, टेस्टिंग में भी दे सकते, सपोर्ट में दे सकते, जैसे बाकी कंपनीज करती है। तो और क्वेश्चन है स्किल्स या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पहले से आती हो। कहते हैं कि दोस्तों बताया कि जो स्किल्स प्रोग्रामिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी 2-2.5 महीने की, उसमें आपको सब सिखा दिया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन उसने पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच वालों को क्या क्या दिक्कत होती है। तो देखो यार, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपने फिर भी जावा तो हर कॉलेज में आपको पढ़ाया जाता है, तो ज्यादा प्रॉब्लम उस बारे में आती नहीं है। पर सही है, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो आपको नोट्स वगैरह देंगे वो आप सीख लो तो सब सही चला जाएगा। एंड लास्ट में थोड़ा होता है कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन वगैरह होता है तो सब सही हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो उसने मुझे एक्स्ट्रा बताई हैं। सबसे अच्छी, मतलब एक अच्छी सी बात है कि पहली बात तो आप एसेंचर में जॉब करते हैं, कहीं से भी आते हैं, 20 किलोमीटर दूर से भी आते हैं ना, तो आपको एसेंचर के लिए बस जो होती है वो एकदम फ्री मिलती है, एकदम फ्री। मतलब जैसे मैं कैपजेमिनी में काम करता हूँ तो यहाँ पे बस कुछ मिनिमम चार्जेस होते हैं कि 1000-1500 की, ज्यादा दूर तो 2000, पर एसेंचर में बस एकदम फ्री है। जिस तरह कैपजेमिनी में जो प्रोबेशन पीरियड है वो 6 months का है, एसेंचर में वो प्रोबेशन पीरियड 1 year का है। एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद उसमें मैंने उसको पूछा कि यार मुझे बताया कि जो लोग एसेंचर की तैयारी करने उनके लिए तू मेन क्या कहना चाहता। तो वो कहता है यार देखो, फर्स्ट राउंड मेन है, फर्स्ट राउंड अगर क्लियर हो जाता है, मतलब तुमने वो जो एप्टीट्यूड प्लस जो अपना कोडिंग वाला जो MCQ था वो हमने क्लियर कर ली है तो सब सही है। और सेकंड राउंड में तो मेन यही है कि यार कॉन्फिडेंस कहते हैं, अगर पूरा है ना, चाहे क्वेश्चन 1-2 के आंसर कम भी आ जाए पर कॉन्फिडेंस का लेवल अगर यहाँ पे तो यहाँ पे है ना तो बात बन जाएगी। और पर ये है कि एसेंचर में जो बॉन्ड है वो मनी बेस्ड नहीं, बस एक नॉर्मल साइन करना होता है कि हाँ मैं एसेंचर कंपनी में 1 साल रहूंगा। अगर छोड़ भी तो मुझे जो कि पता चला है कि छोड़ भी देते तो आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं।
तो और उसने यही पूछा था कि अगर बाकी कंपनी के कंपैरिजन में किया जाए तो कौन सी कंपनी इज द बेस्ट। तो वो खुद भी ये बोलता है कि अगर इंडिया में हो जॉब कर रहे हो आईटी कंपनी में तो टीसीएस विल बी मोर प्रेफरेबल देन एनी अदर कंपनी, पर अगर ऑप्शन आपके पास इन्फोसिस वर्सेस एसेंचर की है तो आप एसेंचर को ही चुनो, क्योंकि इन्फोसिस की ट्रेनिंग 4 महीने की होती है और लोग कहते हैं कि ज्यादातर लोग उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं, ज्यादा टफ होती है। एसेंचर की ट्रेनिंग अच्छी होती है, पर वो काफी हद तक बोलता रहा है कि एसेंचर कंपनी अच्छी है। सो यही था ऑल अबाउट एसेंचर। सो अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है एसेंचर को लेकर, टीसीएस को लेकर, तो आप मुझे बताओ, मैं जल्दी टीसीएस की वीडियो भी लेकर आऊंगा। सो अगर आपको मेरा एसेंचर वाली वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें। नमस्ते।